नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोग को गूगल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों गूगल अकाउंट एक ऐसा चीज़ है जिसकी हर जगह आपको ज़रूरत होगा। कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज, हर जगह गूगल अकाउंट का ज़रूरत होता है, क्योंकि जो भी मेल वगैरह होता है उसी पर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप अगर नया भी मोबाइल ले रहे हैं तो गूगल अकाउंट का वो आपको ID चाहिए, उसमें लॉग इन करने के लिए, तभी नेट वगैरह जो भी चीज़ें चला सकते हो। गूगल अकाउंट को ही जीमेल अकाउंट दोस्तों कहते हैं। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश होगा, जो लोग भी यहाँ चैनल में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो कंटिन्यूअस मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो बड़ा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जिसका इंपॉर्टेंट हर जगह है। दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, अपने गूगल अकाउंट पे चले जाना है। ये देख सकते हैं, ये गूगल है, इस पे चले जाना है। यहाँ पे लिखना है गूगल अकाउंट क्रिएट, गूगल अकाउंट क्रिएट, साइन इन कर देना है या साइन अप कुछ भी कर देंगे, साइन इन कर देना है। चलिए मैं इस पे गया, अब मुझे गूगल अकाउंट बनाना है। ये देख सकते हैं क्रिएट ए जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट, दोनों सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों अब फर्स्ट से करना चाहे फर्स्ट से, दूसरे सेकंड से करना चाहे सेकंड से, तो मैं सेकंड से चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। क्रिएट ए गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट, इसे ही गूगल अकाउंट बोलते हैं, देख सकते हैं। तो इस पर हमको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना है, हल्का सा स्क्रोल डाउन कर देना है, स्क्रोल डाउन कर देना है, स्क्रोल डाउन कर देना है। यही देख सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह नेटवर्क खुल रहा है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाने के बाद ये जो है आर का आइकन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड अकाउंट टू डिवाइस, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन अब आ जाएगा, अब इसको खोल लेना है अपने मोबाइल को। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त मैं तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, एक तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी हो वो डालना है, क्रिएट अकाउंट करना है नीचे, अगर आपके पास पुराना होगा तो यहाँ पे डाल देना है, अगर आपको क्रिएट करना है तो ये क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ आ रहा है, फॉर माई पर्सनल यूज़, फॉर माई वर्क या बिजनेस। तो मुझे पर्सनल यूज़ के लिए बनाना है, अगर आप बिजनेस के लिए बना रहे हो तो नीचे कर देना है। तो हम इसको फॉर माई पर्सनल यूज़ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम लास्ट नाम डाल देना है। तो चलिए मैं अपना फर्स्ट नाम एंड लास्ट नाम कुछ भी डाल देता हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। चलिए मैं नाम डाल दिया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल दिया। अब यहाँ पे डालने के बाद नेक्स्ट कर देना। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी है आपका, जो भी हो वो अपने हिसाब से, मैं एक ऐसे ही डाल देता हूँ। दोस्तों डाल दिया, जेंडर में आपको मेल फीमेल यहाँ पे तीनों देख सकते हैं, मेल मैं हूँ, मेल डाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना अगर जीमेल अकाउंट क्रिएट करना हो, आपका कोई माइंड में सेट हो तो वो डाल देना है, ठीक है। चलिए मैं ये देखता हूँ लेता है कि नहीं। अब ये मान लीजिए मेरे अकाउंट में ये सेट है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अगर ये किसी के पास नहीं होगा तो दे देगा, अगर नहीं होगा तो फिर से ये दूसरा भी ऑप्शन देगा। एक बार और नेक्स्ट करूँगा, देखिए दूसरा नीचे ऑप्शन आ गया, देख सकते हैं RP26-3479। अब मुझे यही लेना है क्योंकि वो है नहीं, तो अब मैं यही अकाउंट ले लेता हूँ, यही जीमेल आईडी ले लेता हूँ, RP26-3479। अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद इसका यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल आपको अपना स्ट्रांग पासवर्ड डाल देना है। दोस्तों को जो भी आपको लगे, तो मैं अपना कॉन्फिडेंशियल स्ट्रांग पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। एक कॉन्फिडेंशियल स्ट्रांग पासवर्ड डाल दिया, आपको भी डालना है क्योंकि कभी भी अगर लॉगिन करेंगे तो वो कॉन्फिडेंशियल स्ट्रांग पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। जब भी अगर मान लीजिए आप भी क्रिएट कर अकाउंट कर लिए हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, कभी भी लॉगिन किसी और डिवाइस में करेंगे तो स्ट्रांग पासवर्ड आपको मतलब मांगेगा, आप अपना पासवर्ड डालिए तभी वो लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट कर देना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दे दिया ऐड योर फ़ोन नंबर, सब कुछ है यहाँ पे, स्क्रोल डाउन करूँगा यस आई एम इन, ठीक है, इसको यहाँ पे कर दूँगा। ये देख सकते हैं रिसीट योर पासवर्ड, फॉरगेट रिसीव कॉल्स, सब कुछ है, ठीक है। अब फ़ोन नंबर ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं, स्किप कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए मेरा ईमेल आईडी आ गया, अब इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। दोस्तों
अब मेरा ईमेल आईडी मैक्सिमम 90% बन के तैयार हो गया। आपको एग्री ये सारा कुछ अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, एग्री कर दीजिएगा। अब मेरा ईमेल आईडी ये बन के तैयार हो गया, मतलब ये अभी 90% है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसी जगह बना लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, बट आपका ये 100% अकाउंट नहीं बना अभी। इसमें भी आपका आगे का प्रोसेस बाकी है, अभी स्किप मत करिएगा, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ये देखिए मेरा 90% मेरा अकाउंट बन के तैयार हो गया, गूगल अकाउंट, ठीक है, अकाउंट google.com, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने जीमेल पे चले जाना है दोस्तों। अब मैं चलता हूँ अपने जीमेल पे। अब मेरा ये जीमेल गूगल अकाउंट बन के तैयार हो गया, सब कुछ मैंने कर लिया। अब यहाँ पे जीमेल अकाउंट पे चले जाता हूँ, जिसे हम गूगल अकाउंट भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं ना, अभी इस पे मेल भी आ जाएगा, ऊपर देखिए दो मेल आ गया है इसी का दो मेल भी आ गया होगा। देखिए सिंक्रोनाइज हो रहा है, ये अकाउंट मेरा बन के तैयार हो गया है 90%। अभी इसमें पूरा 100% अकाउंट नहीं बना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये आर्क आई जो आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सबसे ऊपर है RP26634 79 है ना, अब इसी पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे चले जाना है, इस पर हमको क्लिक कर देना दोस्तों। क्लिक करने के बाद खुल रहा है, खुल जाने दीजिए। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले तो ऐड योर फ़ोन नंबर, ऐड रिकवरी फ़ोन नंबर, सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपको रहेगा कि अपना फ़ोन नंबर, यहाँ से आपको पहले अपना फ़ोन नंबर ही रिकवरी करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें आएंगी आपके फ़ोन नंबर में, मैसेज पासवर्ड जो भी चीज़ आएगा वो आपके फ़ोन नंबर में ही आएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर कर लेना, डाल देना है यहाँ से। अगर यहाँ से मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिक्योरिटी में चले जाएगा, देख सकते हैं ये होम पे आ रहा है, अब ये सिक्योरिटी में चले जाएगा। सिक्योरिटी में अपना फ़ोन नंबर और कोई दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, वो आपका जीमेल आईडी का, तो वो ये सारा कुछ आप इसमें डाल दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं नीचे जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं गूगल रिकवरी और फ़ोन नंबर। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर रिकवर करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ताकि कल को कभी भी अगर लॉगिन कर रहे हैं तो मोबाइल पे ही आपका OTP आएगा, उसी से ही आपको अपना मेल रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड रिकवरी फ़ोन नंबर डाल देंगे, यहाँ पे देखिए अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, OTP आएगा। चलिए मैं अपना फ़ोन नंबर डाल के कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, फ़ोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट कर दिया। अभी गेट कोड आएगा, ये गेट कोड कर देता हूँ, अभी एक कोड आ जाएगा, वो कोड डालेंगे आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अभी देखिए कोड आ रहा होगा, ये देखिए कोड आ गया ना, 7264600, ये कोड आ गया, वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों। अब ये फ़ोन नंबर मेरा वेरीफाई हो गया, देख सकते हैं वेरीफाइड फ़ोन नंबर, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, ये देखिए रिकवर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही सेम ईमेल एड्रेस भी डाल देना है, ठीक है, सारा कुछ कर लेना है दोस्तों। ईमेल आईडी सब कुछ आपको अपना डाल देना है, ठीक है। ये देखिए दो डिवाइस मेरा नहीं है, इसको लॉग आउट कर दे, तो ये देख सकते हैं ये दोनों आपको साइन आउट कर देना है। यहाँ पे आपको ये दोनों जो दो अलग उस लॉगिन है इसको साइन आउट भी कर देना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सारा कुछ चेक कर लेना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आपको डाल देना है। पासवर्ड और दोबारा चेंज करना चाहे तो चेंज कर देना दोस्तों। अब ये आपका जीमेल आईडी बन के तैयार हो गया। अगर आप अपने जीमेल आईडी पे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी लगाना चाहेंगे तो फ़ोटो भी लगा सकते हैं, उसको भी आप अपने तरीके से लगा लीजिएगा दोस्तों। अगर लगाने नहीं आ रहा होगा तो मेरे अकाउंट में बना हुआ किस तरीके से फ़ोटो लगाना है वो देख लीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से आपका जीमेल आईडी बन के पूरा प्रॉपर तैयार हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे जीमेल अकाउंट बनाना है दोस्तों। तो अगर आ गया होगा तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आया होगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।